हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है 2024 का, तो आज है आपका 4 जुलाई यानी 4 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का जो कि एग्ज़ाम फिनिश हो गया यानी समाप्त हो गया। तो आज के 4 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी ऐसे ही कॉन्टेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर, तो आपका राजा राज फर्स्ट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आया था हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल, तो आपका राजा राज फर्स्ट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इट इज ऑन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो कि लिस्टेड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणा मेरु विच मीन्स मेरु ऑफ द साउथ, तो आपका दक्षिणा मेरु के नाम से भी जो कि जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, वेयर वॉज द 2024 ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप हेल्ड, तो आपका कहाँ हुआ था, तो आपका वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट में जो कि हुआ था। तो आपका दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आंसर होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात कर ले, द 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज द 9th एडिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। इट वाज को होस्टेड बाय द वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1 to 29 June 2024। द टूर्नामेंट वाज होस्टेड बाय द वेस्ट इंडीज फॉर द सेकेंड टाइम, वाइल इट वाज ऑल्सो द फर्स्ट मेजर ICC टूर्नामेंट ऑफ द फीचर प्ले मैचेस प्लेड इन द यूनाइटेड स्टेट। तो आपका चैंपियन की बात कर ले तो आपका जो कि इंडिया रहा था और जो कि सेकेंड टाइटल जो कि इंडिया का था। रनर अप की बात कर ले तो साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात कर ले तो आपका जसप्रीत बुमराह। वही बात कर ले मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, रहमतुल्ला गुरबाज जो कि आपका 281 रन बनाए थे। मोस्ट विकेट की बात कर ले तो आपका अफगानिस्तान ने लिया था फजल हक फारूकी जो कि 17 विकेट लिए थे। वहीं आपका इंडिया से अक्षदीप सिंह जो कि आपका वो भी 17 विकेट लिए थे। पार्टिसिपेंट की बात कर ले तो आपका 20 जो कि आपका टीम पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अटल टनल कनेक्ट्स, तो आपका मनाली टू लाहौल स्पीति वैले तक जो कि आपका कनेक्ट करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, तो आपका सतीरिया जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक एकेडमी वाज द गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल डांस बाय द संगीत नाटक एकेडमी इन ईयर 2000। चलिए वहीं बात कर ले, अदर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आर, तो और कुछ क्लासिकल डांस के बारे में जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का है, कथकली जो कि आपका केरला का है, कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का, कथक जो कि आपका नॉर्थ इंडिया में जो कि होता है, मोहिनीअट्टम जो कि आपका केरला का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का, ओडिसी जो कि आपका ओडिशा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, तो द सार्क का फुल फॉर्म की बात कर ली, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985 विथ द साइनिंग ऑफ द सार्क डिक्लेरेशन इन ढाका। कब हुआ था, तो आपका 1985 में ढाका में हुआ था। वहीं बात कर ले तो अफगानिस्तान बिकम्स द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क एट द 13th एनुअल समिट इन 2007। द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरिएट ऑफ द एसोसिएशन आर इन काठमांडू नेपाल में, जो कि आपका हेडक्वार्टर है सार्क का। वहीं बात कर ले, सार्क कंप्रोमाइजेज 8 मेंबर स्टेट्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 8% देयर आर 9 ऑब्जर्व ऑफ सार्क, नेमली फर्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सार्क कवर्स 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया एंड 21% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, वेन वाज नंदा देवी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश, वेन नहीं पूछा था आपका, वेयर पूछा था, वेयर वाज नंदा देवी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड यानी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में जो कि आपका
है तो आपका कब हुआ था, तो 1982 एडी में जो कि हुआ था। चलिए इस्टेब्लिश, द पार्क वाज इस्टेब्लिश इन 1982 एज संजय गांधी नेशनल पार्क एंड वाज लेटर रीनेम एज नंदा देवी एंड वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इन 2005। इट वाज मेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को इन 1988। नेशनल पार्क की बात कर ले उत्तराखंड में कौन कौन से, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गोविंद नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, ये सभी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक, तो आपका क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ अ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, तो आपका राइट आंसर स्पीड जो कि आपका हो जाएगा, टेम्पो इज द स्पीड ऑफ द गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, इट इज यूजुअली मेजर बाई द नंबर ऑफ बीट्स एंड ऑकर्स इन अ मिनट नॉन एज बीट पर मिनट BPM। सम ऑफ मोर पॉपुलर टेम्पोज इंक्लूडेड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, ग्रेव लेंटे लार्ज एडिगो एंडेंटे मॉडरेटो एलिग्रिटो एलगेरो वाइफ्री प्रेस्टो एंड प्रेस्टिसिमो जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप RRBS वाज द प्रोवाइड क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल पुअर हु वेयर नॉट बींग सर्व बाय कमर्शियल बैंक टिल नाउ। फंक्शंस की बात कर लें, द फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर द सेम एज एनी अदर कमर्शियल बैंक। रीजनल रूरल बैंक वेयर इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1975 अंडर द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमुलेटेड ऑन सेप्टेम्बर 26, 1975 एंड द रीजनल बैंक एक्ट 1976। चलिए नेक्स्ट आपका, वेयर विल द 2020 हॉकी वर्ल्ड कप टेक प्लेस, तो आपका कहाँ हुआ था, तो इंडिया में जो कि आपका हुआ था, वहीं इंडिया में कहाँ हुआ था, तो आपका भुवनेश्वर में जो कि आपका हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका, चैंपियन कौन रहा था, तो आपका जर्मनी जो कि जर्मनी का थर्ड टाइटल था आपका, रनर अप की बात कर ले बेल्जियम रहा था, एडिशन कौन सा था, तो आपका 15th एडिशन था। चलिए नेक्स्ट आपका, दशहरा इज द विच फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा कौन से हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, तो अश्विन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर मंथ में जो कि आपका रहता है। सिंबलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गॉड एवर इविल, दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ मंथ ऑफ अश्विन, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर द 7th मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर इन विच द फुल मून इज विजिबल, दिस फेनोमेन इज कॉल्ड द ब्राइट फोर नाइट डार्कर फोर नाइट जो कि आपका नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका, द हंड्रेड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो आपका क्या चीज से रिलेटेड, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो कि आपका रिलेटेड है। द 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एज पर एग्रीमेंट, बांग्लादेश टूक ओवर 111 स्कार्पमेंट फ्रॉम इंडिया पोसेशन एंड इंडिया रिसीव 51 स्कार्पमेंट फ्रॉम बांग्लादेश इन कोच बिहार। द सेड एग्रीमेंट वॉज मेड टू एक्वायर सम एरिया ऑफ बांग्लादेश इन एक्सचेंज फॉर सम एरियाज। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर सजेस्टेड टू एडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण नहीं होगा आपका स्वर्ण होगा, तो आपका 8 जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट किया गया था, तो 8 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पारक, तो PARAKH का फुल फॉर्म जो कि पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। पार्क स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट वॉज इस्टेब्लिश एट एज अ नेशनल असेसमेंट सेंटर टू सेट स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ कंट्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क इज द पार्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 NEP। इट ऑल्सो एम्स टू, क्या क्या एम्स है, तो आपका प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट एजुकेशन एंड इम्प्रूव
द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेम द पर्सन हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया स्टेट फॉर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आपका ज्योति बासु, जो कि ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहा जो कि आपका क्या रहा, तो ये रहा जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। बाकी हमने जो भी डिस्कस नहीं किया हुआ ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स पॉइंट्स ये सब तो आप पीडीएफ लेके उसके डिस्कस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो इसका पीडीएफ और हर दिन का पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में जो कि आपका उपलब्ध करा दिया जाता है जीके जीएस का, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।